आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया कि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ मूलभूत बातों को, जैसे कि शुद्ध अर्धचालक जिसे हम नैज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक कहते हैं, ये ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं मिली होती, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यदि इसके उदाहरण देखिए तो इसके उदाहरण होते हैं जर्मेनियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 32 तथा सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 14। तो यदि यहाँ पे सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यहाँ इसके प्रथम कक्षा में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, द्वितीय कक्षा में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तथा अंतिम कक्षा में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अंतिम कक्षा में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण से हम यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन की यहाँ पे जो संयोजकता है वो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से धन 4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम शुद्ध अर्धचालक देखें तो आप इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे एक शुद्ध अर्धचालक लिए हैं जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, जिसकी यहाँ पे संयोजकता हमने देख क्या है धन 4 है। तो इस प्रकार से इसके अंतिम कोष में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपने यहाँ पे निकटतम परमाणु के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, जिससे कि सह संयोजक बंध का निर्माण, तो इस प्रकार से यहाँ पे सह संयोजक आबंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक जो परमाणु है वह अन्य 4 परमाणु से यहाँ पे सह संयोजक आबंध द्वारा जुड़ा होता है। यदि हम बाह्य अर्धचालक देखें तो बाह्य अर्धचालक जो होते हैं वे ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें हम अशुद्धियां मिलाते हैं, अर्थात जिसमें हम डोपिंग क्रिया करके हम अशुद्धियां मिलाते हैं जिससे उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो ये बाह्य अर्धचालक जो है वह भी ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पहला होता है पी प्रकार का और हम दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर एन प्रकार का। तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे 2 प्रकार पी प्रकार तथा एन प्रकार होता है। तो पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए हम यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अवद्रव मिलाते हैं, अर्थात जिसकी जो संयोजकता क्या है धन 3 है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको उदाहरण देखें, इसका उदाहरण क्या है एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, इनिडियम जिसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे 49 होता है, तथा यहाँ पे पंचसंयोजी परमाणु देखें जिसकी यहाँ पे संयोजकता क्या है यहाँ पे धन 5 होती है। तो यहाँ पे जो धन 5 संयोजकता वाले हम तत्व देखें अर्थात अशुद्धियाँ देखें तो यह है, इसको उदाहरण हम देखें तो यहाँ पे है फॉस्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, आर्सेनिक जिसका परमाणु क्रमांक 33 होता है। जब यहाँ पे हम शुद्ध अर्धचालक में यहाँ पे त्रिसंयोजी परमाणु मिलाते हैं तो हम देखते हैं इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है तो यह सहसंयोजक बनाने में यहाँ पे भागीदारी लेते हैं, मगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पे एक होल उत्पन्न हो जाता है और इस होल में यहाँ पे जो दूसरे सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन है इस पे आते जाते हैं, इस प्रकार से होल जो है गति करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा अर्धचालक बनता है, यहाँ पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तथा हम देखते हैं वह एन प्रकार का अर्धचालक, तो जब हम शुद्ध अर्धचालक में यहाँ पे पंच संयोजी परमाणु मिलाते हैं जैसे फॉस्फोरस आर्सेनिक, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अंतिम कोष में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं सह संयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं, तथा यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो है अधिकता होती है, इस प्रकार से यह मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है, इसके कारण से इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या देखा, यहाँ पे एन प्रकार का अर्धचालक देखा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि पी प्रकार में जो यहाँ पे जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होगा क्या होगा, यहाँ पे होल जो है अधिकतर होता है, इस प्रकार से यहाँ पे जो बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होगा होल होगा। तथा यहाँ पे हम ताप बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे ताप बढ़ाने के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल जो है युग्म उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होगा पी प्रकार में यह इलेक्ट्रॉन होगा। तथा इसी प्रकार से यदि हम देखें यहाँ पे एन प्रकार के अर्धचालक में, तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो यहाँ पे बहुसंख्यक आवेश वाहक होगा वह क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तथा यहाँ पे जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होगा जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होगा यहाँ पे होल होगा। तो इस प्रकार से हमें यही प्रश्न में पूछा गया था कि हमें पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है पी प्रकार में क्या है होल होते हैं, तथा यहाँ पे जो एन प्रकार में यह बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही हमारा उत्तर है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।